खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां एक अजीब और डरावनी घटना घटी। मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आए एक युवक ने अपनी बाइक जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़ी की। जैसे ही युवक वहां से हटा, उसने देखा कि उसकी बाइक पे एक सांप घुस गया। युवक के चिल्लाने पर वहां कुछ लोग एकत्रित हो गए। ये घटना देखकर सभी चौंक गए। घटना देखने वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। काफी प्रयासों के बावजूद भी जब सांप बाइक से नहीं निकला तो युवक ने एक बाइक मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने बाइक खोली और पाया कि सांप बाइक की हेडलाइट के अंदर छिपा हुआ था। सांप को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया, जिसके बाद युवक ने राहत की सांस ली। युवक बलिया के नगरा थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। वह अपनी बहन को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए बलिया आया हुआ था, जिसका परीक्षा केंद्र मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में था। पेपर दिलाने आया। अच्छा, किसको? हुआ था लड़की का। क्या हुआ था? बाइक में कीड़ा घुसा था। कीड़ा? हाँ, सांप। कैसे घुस गया था वहाँ पे? क्या है कि बच्चे लोग खेल रहे थे, पानी में सांप था, उधर से आया। उसके बाद आदमी को देखे तो गाड़ी में घुस गया। बस कितनी परेशानी हुई आपको? परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा ना। कितने घंटे से हो रही है निकालने की? एक घंटे से। अब निकल गया, कैसा महसूस हो रहा है? डर नहीं लगता था? सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।